हेलो फ्रेंड, धन निरंकार जी। आज मैं मिर्ची का अचार बनाऊंगी। ये बनाने बहुत ही आसान है। इसके लिए मेरे मिर्ची को देखिए अच्छे से धुल लिया, इसकी डंडी को साफ कर लिया है और साफ करके मैंने तकरीबन 1 घंटा इसे धूप में रख दिया था। इसका सारा मॉइस्चर जो है बाहर निकल गया है एकदम। देखिए अच्छे से सूख गया है हमारा मिर्ची। इसे मैं कट करूंगी। इसे आप चाहे तो गोल गोल भी कट कर सकती है या फिर लंबा भी कट कर सकती है। मैं इसे इस तरह से बीच में चीरा लगाते हुए काटूंगी। देखिए इस तरह से मैं 2 भागों में इसे काट लूंगी। मिर्ची काटने के बाद अपने हाथों को जरूर धो लीजिएगा, हाथ जो है जलने लगेंगे अगर ज्यादा सेंसिटिव होंगे तो। तो इस तरह से हम मिर्ची को लंबा लंबा काट लेंगे। सारी मिर्ची को इस तरह मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है और यहाँ मैंने कुछ लहसुन लिया है, इसे भी मैं लंबा लंबा अच्छा की तरह काट ली हूँ। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये 2 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच ये सरसों है और 1/2 चम्मच मेथी है। इसे मैं हल्का सा भूनूंगी, उसके बाद मिक्सी में पीस लूंगी। हमारा देखिए तवा एकदम गर्म हो गया है, इसी में इसे हल्का सा भून लूंगी। मसालों को हल्का सा चलाते हुए इसे भूनना है, हल्की सी खुशबू आने लगी बस इसे उतार लेना है, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है इसे। देखिए राई के दाने देखिए बिल्कुल चटकने लगे हैं, इसे मैं निकाल लूँ। इसमें मैं थोड़ा तेल डालूंगी, सरसों का तेल को मैं गर्म करके ही अचार में डालूंगी। पहले तेल एकदम बिल्कुल गर्म हो जाएगा, फिर इसको ठंडा करके तब डालना है, बस इतना ही तेल डालना है। तेल हमारा देखिए बिल्कुल गर्म हो गया है। इसे मैं दिखा रही हूँ आपको, लहसुन डाल के फिर देखिए ये एकदम जल जाएगा। तो अभी मैं तेल को ठंडा करूंगी, उसके बाद ही सारे मसाले। मैंने मसालों को पीस लिया है मिक्सी में, ज़्यादा महीन नहीं किया, इसे दरदरा ही पीसना है इस तरह से। तेल देखिए हमारे पहले से बहुत ठंडा हो गया, इसमें मैं लहसुन डाल दूंगी और यहाँ मैं 1 पिंच हींग भी इसमें डाल दे रही हूँ। इस बर्नी में देखिए, बर्नी को मैंने अच्छे से साफ से पोंछ लिया है। इसमें जरा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार हमारा खराब हो जाएगा। अच्छे से सुखा के रखना, जरा भी मॉइस्चर रहेगा तो अचार खराब हो जाएगा। इसमें मैं सारी मिर्ची को इस तरह भर दूंगी, इस सभी मसालों को इसमें मैं डाल दूंगी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये जरा कश्मीरी मिर्च है, 1/2 चम्मच कलर के लिए मैं इसमें डालूंगी। इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, नमक थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करूंगी क्योंकि अचार में तो नमक थोड़ा सा तेज रहता है, चटक रहता है तो ये अच्छा लगता है। 1.5 चम्मच तकरीबन मैं नमक इसमें डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरह से, अच्छे से देखिए मसालों को मिक्स करना है। देखिए बहुत अच्छे से मसाले मिक्स हो रहे हैं। अब ये मैंने तेल और लहसुन और हींग जो रखा हुआ था इसे मैं इसमें मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अब मैं इसको अच्छे से हिला दूंगी इस तरह से, ऊपर नीचे कर देना है। यह अचार आप 1 महीने तक रखकर खा सकती हैं, इसे आप 2 दिन या फिर 1 दिन भी रख सकती हैं, धूप में रखना है, उसके बाद आप आराम से अचार खाइए। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप इसमें चम्मच डालिए तो चम्मच गीला ना रहे, नहीं तो हमारा अचार बहुत जल्द खराब हो जाता है। चम्मच बिल्कुल सूखा उठा रहे, और इसमें जब भी चम्मच डालिए तो फिर डालकर अचार को निकाल के चम्मच को निकाल दीजिए, चम्मच को उसमें पड़ा ना रहने दें, नहीं तो अचार बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। देखिए मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगी, वो है नींबू का रस। आप चाहे तो विनीगर भी डाल सकती हैं, इससे इसमें खट्टापन भी आएगा और तीखा भी कम होगा ये, और हमारा अचार जो है सॉफ्ट भी होगा थोड़ा। बस हो गया। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी अचार की पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।